ये फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है घर में मिठाई बिल्कुल बहुत कम कीमत में पार्ले जी के बिस्किट से। तो अब इसको एक बार बनाना तो बनता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं मिठाई बनाना। देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बनी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनी है। तो अब इसको एक बार ही बनाना तो बनता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक मिठाई जिसमें हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मीठा भी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें, और बड़ी आसानी से बन जाएगी। ना हमें पकाना ना कुछ करना, बिना गैस जलाई हम इस मिठाई को बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं ये पार्ले जी के बिस्किट्स, सभी जानते हैं हम इनको, पार्ले जी के बिस्किट्स। ये मैंने 2 पैकेट छोटे लिए हैं, आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाहें तो। और अब इनको मैं तोड़कर मिक्सी के जग में डाल दूंगी और इसको पीस लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया है, ये देखिए ये फाइन पाउडर बन गया। और अगर आपको बाय चांस इसमें कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो आप इसे छलनी से छान भी सकते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है, देखिए, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट में घी ज़्यादा नहीं होता, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, 1 चम्मच घी डाला मैंने इसमें। ये सर्विस स्पून नहीं, 1 टीस्पून घी डाला मैंने। और इसको एक ट्विस्ट देने के लिए चाहें तो आप ये कोको पाउडर डाल सकते हैं 2 चम्मच, और चाहें तो आप इसे, क्योंकि हमें अब इसका डो बनाना ना होगा, आप इसे हर्शीज से भी, हर्शीज सिरप जो आता है उससे भी मल सकते हैं, इसका डो बना सकते हैं। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ये चॉकलेट कोको पाउडर आता है 2 चम्मच, ये डाल के मिला लें। और चाहें अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पिसी चीनी मिला लें थोड़ी सी, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं इसे हर्शीज से इसका डो बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें पिसी चीनी नहीं डालूंगी। और अगर आप इसका डो दूध से बना रहे हैं तो आप इसमें पिसी चीनी थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये हमने जैसे मोइन देते हैं इस तरह से अच्छे से मल लेना है। बन जाए इस तरह से मल लेना है। और अब मैं इसको चॉकलेट कोको पाउडर ना डाल के मैं इसको हर्शीज सिरप से मल रही हूँ, जरूरत के अनुसार मैं इसमें डालूंगी। और एक अच्छा सा चिकना डो बना लेंगे हम, इसको अच्छे से मल लूंगी। और ज्यादा मीठा ना हो जाए इसलिए अब मैं इसमें, जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं दूध से मलूंगी, दूध मिलाऊंगी इसमें, हर्शीज पाउडर नहीं मिलाऊंगी, लिक्विड नहीं मिलाऊंगी, चॉकलेट से सिरप वो नहीं मिलाऊंगी मैं इसमें। ये देखिए मैं इसमें जरूरत के अनुसार दूध डाल के, बस जितनी ज़रूरत हो, ये नहीं कि हमें 1 कप डालना है या 2 कप डालना है, जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही दूध डालेंगे इसमें। आटा मलते हैं जैसे रोटी जैसा डो बनाएंगे हम इसका, और इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे जिससे इसमें शाइनिंग आ जाए अच्छी सी। इस तरह से मलने से इसका घी रिलीज होगा और हमारा डो अच्छे से बन जाएगा। आपने देखा होगा मैंने इसमें दूध ज़्यादा नहीं डाला और ना ही मैंने इसमें हर्शीज पाउडर सिरप ज़्यादा डाला है। हमारा चिकना सा डो तैयार है। इसको तो हम जितना अच्छा मल लेंगे ये उतना घी रिलीज करेगा और उतने ही क्रैक्स इसमें कम आएंगे। इसको मैं एक साइड रख लेती हूँ। अब हम इसके लिए एक और फिलिंग तैयार करेंगे।
ये मैंने केवल दो छोटे पैकेट्स का बनाया है, आप ज़्यादा का भी बना सकते हैं। ये लिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, इसको मैंने एक बारी मिक्सी में घुमा दिया है। इससे क्या होता है कि इसका तेल थोड़ा सा रिलीज होता है और इसमें चिकनापन आ जाता था, नहीं तो वरना ये सूखा सूखा दिखाई देता है। इसलिए मैंने इसे मिक्सी में एक बार चर्न कर लिया। इसमें मैं डालूंगी, ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, केमिस्ट वाले के यहाँ भी मिल जाते हैं। 2 चम्मच मछली मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी और इसे मीठा, वैसे तो मिल्क पाउडर मीठा होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मीठा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच पीसी चीनी। चीनी को मिक्सी में घुमा पीस लें और छान लें, आपकी पीसी चीनी तैयार है। और अगर आप इसे मिल्क मेड से मिल रहे हैं तो फिर आप पीसी चीनी ना डालें। मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी, चीनी आप अपने सामान के हिसाब से लें। अब मैं इसका एक अच्छा सा डो बनाऊंगी, जैसे हमने बिस्किट का बनाया इसी तरह से हम इसका डो बनाएंगे। इसमें हमें घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल का अपना तेल होता है, वो ये मलने से रिलीज करेगा। इसको मैं दूध से मलूंगी, मेरा इसमें ये थोड़ा सा दूध ज़्यादा डल गया, बस इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हमें दूध से मलते समय या पानी से जिससे भी हम मलें वो हम बराबर डालें, ठीक से डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए मैंने अचानक से ही ज़रा ज़्यादा डाल दिया तो ये पतला हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट वो डाल रही हूँ। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, छोटी बड़ी बड़ी सब जगह मिल जाता है ये, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि ये नहीं मिलेगा, हर जगह मिल जाता है ये। हमारा ये डो भी तैयार है, चलिए हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। वैसे हम एक पॉलीथीन शीट लेंगे, उसको अच्छे से साफ कर लिया। अब आपके पास पॉलीथीन नहीं है कोई पॉल, या आप उस पर भी बेल सकते हैं। देखिए हमारा डो बिल गया, ये जो क्रैक्स आ रहे हैं इसकी चिंता ना करें क्योंकि अभी हम इसके पीसीज निकालेंगे तो उसमें हम ये साइडें कट जाएंगी और हम इसको दोबारा से मल के फिर से बेल लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये इस तरह का कुकी कटर है, मैं उससे निकाल रही हूँ। आप किसी गोल ढक्कन से भी निकाल सकते हैं या कोई और डिज़ाइन का कुकी कटर हो उससे भी निकाल सकते हैं, मैं इससे निकाल रही हूँ। और आप मोटाई देखिए इसकी, मैंने ना बहुत मोटा रखा है ना बहुत पतला रखा है, और इसकी मैं ये पीसेस निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसके सारे पीसेस निकाल लूँगी। आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी शेप का बनाएं, आपके पास कुकी कटर जिस भी डिज़ाइन के हों उससे बना लें या गोल ढक्कन कोई भी अच्छे हों उस साइज से आप इसके निकाल लें। इस तरह से आप इसके सारे पीसेस निकाल लें। देखिए ये मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं और फिर जो कटिंग बची है उसको मैंने दोबारा से बेल लिया है। उसके लिए मैं ये दूसरा कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास एक ये भी है, मैं इससे निकाल लूँगी। ये मैंने इस शेप के निकाल लिए, ऐसे ही मैं ये सारे निकाल लूँगी। देखिए इसी तरह से ये हमने वाइट डो जो नारियल के बुरादे से बनाया था उसको भी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने बेल लिया और सेम थिकनेस रखी है, और इसी तरह से मैं इसको की कटर से इसमें से भी निकाल लूँगी। ये देखिए अब मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम इसको असेंबल करेंगे।
इसको आप कैसे भी बना सकते हैं। एक वाइट, ये मैंने ब्राउन बीच में रखा है और एक वाइट बनाया है। इस मिठाई को रख के आप फ्रिज में 15 दिन तक भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई कच्ची चीज़ नहीं डाली है, सब चीज़ें हमारी अच्छे से बनी हुई हैं पहले से। बिस्किट डाले हैं, बिस्किट भी पके हुए होते हैं। मिठाई बनके तैयार है, कितनी अच्छी अच्छी लग रही है देखिए। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये थोड़ा सा जो बच गया था उसके मैं आपको बताती हूँ। इसको तीन गोले ये रखे अलग अलग करके, और इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा दीजिए। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा बच गया था, इसमें मैंने वाइट में ये ब्राउन अंदर फिल कर दिया है, और इसका हमने पीस, और इसको हम कट कर देंगे। चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इस मिठाई को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, जिससे कि हमारी ये अच्छे से सेट हो जाए। बिस्किट तो हमारे टाइट हैं, उन्हें हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नारियल हमने डाला है, नारियल के जो बनाए हैं, वो थोड़े से हमें फ्रिज में रखने पड़ेंगे सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बन के तैयार है। ये मैंने अलग अलग शेप्स में बनाई है। आप इसको किसी भी, आपके पास कोई और डिज़ाइन के कुकी कटर्स हों, कोई भी आपके पास किसी और ढंग से भी आप काट सकते हो, गोल चौरस जैसे काटना चाहें आप काटें, और इस तरह से मिठाई बनाई। देखिए, इसमें हमने ना गैस जलाई ना कुछ करा, हमारी मिठाई यूँ ही बन गई, और कोई खास सामान भी नहीं लगा। बिस्किट के पैकेट, और सबसे सस्ते वाले बिस्किट के पैकेट हैं ये, पार्ले जी के। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई तैयार हुई है। आप इसको गार्निश करना चाहें कलरफुल सौंफ से, किसी भी चीज़ से इसको गार्निश भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को पसंद आती है। इस पे आप पिस्ता भी लगा सकते हैं। अभी मेरी ये थोड़ी सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं इस पे पिस्ता लगाना चाहूँगी, तो वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि मैं इस पे कुछ भी लगाऊँ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो इजी सी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपने ट्राई की तो आपकी कैसी सी बनी, और आप और भी किस किस तरह से मिठाई बनाते हैं। मैं भी ट्राई करूँगी वैसे ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।